हरियाणा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने होडल की पुरानी अनाज मंडी से जन क्रांति रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस हुड्डा गुट के तमाम बड़े नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक मौजूद रहे। हुड्डा ने इस मौके पर बीजेपी और इनेलो पर जमकर कटाक्ष किए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने होडल की पुरानी अनाज मंडी के मैदान से हुंकार भरते हुए लोगों का आह्वान किया कि अब सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सरकार का प्रदेश से सफाया नहीं होता, वे तब तक न चैन से बैठेंगे और न ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। हुड्डा ने कहा कि करीब 3.5 साल पहले झूठे वादे करके वोट बटोरने वाली भाजपा सरकार ने 154 वादों में से एक भी पूरा नहीं किया। बड़ी आज के साथ जनता ने भाजपा को जनादेश दिया था और सत्ता मिलते ही सबसे पहले भी जनता को ही भूल गई। पैर में फ्रैक्चर के होने के कारण हुड्डा व्हील चेयर पर बैठकर होडल में विशाल रैली में पहुंचे तो लोगों ने बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान भीड़ का जोश देखकर अपने पैर का दर्द भूल गदगद हुए पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि मौजूदा शासन में किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, युवा हर वर्ग ग्रस्त है। पीछे हफ्ते 50 वर्ष से बाहर आ जाए, काम का मामला है। जब मैं इस बात पे विचार कर रहा था उनकी बातों पर, तो मेरे सामने सभी वर्गों के चेहरे मेरे सामने से गुजर रहे थे। और मेरे सामने क्या आया, मेरे सामने आया कि हरियाणा में आज किसान को बहाल नहीं, मजदूर को मजदूरी नहीं, व्यापारी जो टैक्स मार कर रहा है,